जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय सेना के नए सेना अध्यक्ष के बारे में। तो दोस्तों, 30 जून 2024 के लिए यानी कि कल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें थल सेना प्रमुख का चार्ज संभालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों हमारा, भारतीय सेना का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस आपके हैं जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल अभय सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल एच के सिब्बल। तो मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका नाम है जनरल मनोज पांडे, और इनकी जगह पर 30 जून 2024 के लिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि इस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उप सेना प्रमुख, इनका चार्ज संभालेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय सेना के किस पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना में कब शामिल हुए। तो दोस्तों, 15 दिसंबर 1984 के लिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर फोर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना की किस रेजिमेंट से संबंधित हैं। तो दोस्तों, 15 दिसंबर 1984 के लिए भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में इन्होंने कमीशन ली थी, और ये 18 जैगरिफ में दोस्तों एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गए थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना की कौन सी कमान यानी कि कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी कि जीओसी इनसी रह चुके हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्तरी कमान उधमपुर। तो जो हमारी नॉर्दर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड के ये जीओसी इनसी यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं, जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के कौन से पदक से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के कौन से पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये दोनों जो मेडल हैं इनके लिए मिल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल एबीएसएम और परम विशिष्ट सेवा मेडल पीबीएसएम, इन दोनों से इनके लिए सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के कौन से नंबर के सेना प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ये 30वें नंबर के भारतीय सेना के सेना प्रमुख के रूप में 30 जून के लिए ही चार संभालने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है हमारा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1 जुलाई 1964 के लिए रीवा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और सैनिक स्कूल रीवा के ही ये जो है वो छात्र रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सेना प्रमुख की जगह ली है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो भारतीय सेना के सेना प्रमुख हैं उनका नाम है दोस्तों जनरल मनोज पांडे, और 30 जून 2024 के लिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनका चार्ज संभालने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर टेन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख का पदभार कब संभाला। ठीक है, तो दोस्तों 30 जून 2024 के लिए उन्होंने भारतीय सेना के सेना प्रमुख का जो है वो चार्ज संभालेंगे। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल विद आंसर की आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट, आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।